नमस्कार एंड वेलकम टू आर के द फार्मासिस्ट। मैं हूं तरुण यादव। एक सामान्य व्यक्ति दिन में 5 से 15 बार गैस एक्सपेल करता है। हमारे खाने में मौजूद शुगर, फाइबर और स्टार्च हमारे पेट में फर्मेंट होते हैं, जो कि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करते हैं। इस क्रिया से हाइड्रोजन और मीथेन गैस निकलती है। यह प्रक्रिया बड़ी आंत में होनी चाहिए। जब यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। इसका कारण है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी होना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है। यही कारण है अच्छी सब्जियां और फल खाने के बाद भी हमारे पेट में गैस की दिक्कत आती है। हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, पर खाने में मौजूद फाइबर, शुगर और स्टार्च, इसकी वजह से गैस बनती है। हम 20 प्रकार के काम करके गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पे, आधा चम्मच अजवाइन दिन में एक बार लें। अजवाइन में थाइमोल नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस यानी पाचक रस को बनाता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अजवाइन पेट दर्द में भी राहत देती है और पेट के कीड़ों को भी खत्म करती है। नंबर 2, 1 चम्मच जीरे पाउडर को 2 कप पानी में उबाल लें और ठंडा कर पी लें। इसके बाद नंबर 3, आधा चम्मच हींग को 1 गिलास गुनगुने पानी से लेने पर गैस की समस्या दूर होती है। और नंबर 4, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू के रस को मिलाकर खाने के बाद लें। ऐसा करने से हमारा पाचन अच्छा होता है, क्योंकि अदरक में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचने में मदद करते हैं। नंबर 5, 1 चम्मच सौंफ चबाने से भी पेट गैस की समस्या दूर होती है। नंबर 6, 1 चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में डालकर खाने से पहले लेने पर पाचन अच्छा होता है। नंबर 7, हॉट वाटर बोतल को पेट पर लगाएं। ऐसा करने से पेट में बनी गैस आंतों की तरफ चली जाती है और यह पेट दर्द में काफ़ी फायदा भी करती है। और इसके बाद नंबर 8 पर है, ज़्यादा मीठा और आर्टिफिशियल स्वीटनर ना लें। नंबर 9, कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा ना पिएं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही होती है, जो कि हमारे पेट में इसे पीने के बाद रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से गैस की समस्या और बढ़ती है। और इसके साथ साथ इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गैस की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद नंबर 10 पर है, हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे गैस बनती है। हर आदमी का शरीर अलग है, तो इस चीज़ के लिए आपको खुद ही ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो इसकी वजह से उन्हें दूध हजम नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है इस किस्म के लोगों को दूध पनीर से काफ़ी ज़्यादा गैस की समस्या होती है। इसके अलावा बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कच्चा प्याज, लहसुन, गेहूं का छिलका, सेब और नाशपत्ती जैसे अच्छे फलों से भी गैस की समस्या हो जाती है। बहुत से लोगों को आलू की वजह से गैस की समस्या होती है, क्योंकि आलू में स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को भारी दालों से भी गैस बनती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, ग्लूटेन जो कि गेहूं में पाया जाता है, जिसकी वजह से गैस बहुत अधिक बनती है। तो इस प्रकार से आपको खुद ही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है और कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है। और इसके बाद नंबर 11 पर है, च्युइंगम ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी गैस बनती है। आप बहुत सी गैस हवा के माध्यम से अपने अंदर खुद ही ले लेते हैं। और इसके बाद नंबर 12 पे है, भारी दालें जैसे चने, उड़द और राजमा, इनको हमेशा अंकुरित कर खाएं। ऐसा करने से यह आसानी से पच जाती हैं और गैस की समस्या नहीं होती है। और इसके बाद नंबर 13 पर है, हमें ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। और नंबर 14,
व्रत को कभी भी तले हुए खाने से ना खोलें, ऐसा करने से गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 15, खाने को चबा चबा कर आराम से खाएं, कम से कम 32 बार उसे चबा कर खाएं और पानी को धीरे धीरे आराम से बैठ कर पिएं। और नंबर 16, अगर ज़्यादा गैस महसूस होती है तो हाई फाइबर फूड को एक हफ्ते के लिए बंद कर दें और फिर धीरे धीरे अपनी डाइट में उसे शामिल करें। नंबर 17, अगर कब्ज की समस्या महसूस होती है तो एक चम्मच त्रिफला पाउडर रात को गर्म पानी से लें। नंबर 18, रेगुलरली एक्सरसाइज करें और खाने के बाद वज्रासन में बैठें। इसके बाद नंबर 19, बीड़ी सिगरेट ना पिएं, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी हवा खुद ही अपने पेट में भर लेते हैं। नंबर 20, खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, ऐसा करने से इनडाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है। और फाइनली, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ यह है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।